सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी नई नई वीडियो। गाइस, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अभी भाई वो कमेंट कर रहे हैं, और ऐसा कोई वीडियो मिला भी नहीं है जो नई वाली ग्लैमर एक्सटेक है उसका जो मीटर है भाई, उसमें हम जैसे भी ये ऑन करते हैं हम सर्विस करवा देते हैं 500 के बाद हम जैसे ही सर्विस कराते हैं तो सर्विस का जो इंडिकेटर है चाबी वाला ये हटता ही नहीं है गाइज। तो इसको कैसे हटाना है ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए गाइज, ये नया वाला मॉडल ही है, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी का दिखा दिया। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए, वैसे जिनके पास है वो तो इसको देख के समझ ही गए होंगे ये मीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बटन दिए गए हैं, एक मोड वाला और एक ये रीसेट वाला नीचे वाला जिस पर एस लिखा हुआ है। तो गाइज हमको करना क्या है, हमको चाबी को पहले कर देना है ऑफ़, और जो नीचे वाला बटन है एस वाला, इसको गाइज हमको थोड़ा सा 10 से 15 सेकेंड के लिए दबा के रखना है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसको दबा के रखता हूँ। जब तक मैं इसको दबा के रखता हूँ तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर दबा के रख रहा हूँ, जैसे ही मेरे को 10 से 15 सेकंड होते हैं तो यहाँ से मुझे जो है चाबी को ऑन करना होगा गाइस। तो देखिए मैंने ये चाबी को ऑन कर दिया है, और बटन को छोड़ना नहीं है, बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है। देखिए वहाँ से जो है आपका सेटिंग का ऑप्शन वो हट चुका है, जो रिमाइंडर आपका आ रहा था वो वहाँ से एकदम से हट चुका है। अब देखिए मैं आपको बंद करके दोबारा से ऑन करके भी दिखा देता हूँ गाइस। तो देखिए ये मैंने दोबारा से ऑफ करके ऑन किया है, और यहाँ पर अब कोई भी रिमाइंडर नहीं दिखा रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।